मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या 14 हो गई है। गौरतलब है कि आज सुबह इंदौर में कोरोना के 5 मरीजों की पुष्टि की गई थी, जिसके बाद शहर में कर्फ्यू की घोषणा की गई। इस कर्फ्यू से मीडिया मुक्त रहेगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी लोकेश कुमार जाटव ने इंदौर में कर्फ्यू लागू करने की घोषणा कर दी है। कर्फ्यू नगर निगम इंदौर की सीमा के लिए लागू होगा। ग्वालियर और शिवपुरी में कोरोना मरीज मिलने के बाद वहां कर्फ्यू लगा दिया गया। भोपाल और जबलपुर में पहले से ही कर्फ्यू जारी है। प्रदेश में कोरोना की दस्तक के बाद से लगातार इसके मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन भी उन इलाकों पर सख्ती बरत रही है जहां इसके मामले सामने आ रहे हैं। अब तक प्रशासन ने भोपाल, जबलपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, उज्जैन में कर्फ्यू का ऐलान किया है। कोरोना वायरस की चपेट में आने से एक और व्यक्ति ने जान गंवा दी है। इससे देश में मरने वालों की संख्या 10 से बढ़कर 11 हो गई है। वहीं 580 लोग संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि अब 46 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और आम जिंदगी जी रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश में अब तक 14 मामले सामने आ चुके हैं और इसमें 5 नए मरीज इंदौर में मिले हैं। वहीं उज्जैन में एक मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। इनमें से इंदौर में 4 और उज्जैन में 1 मरीज मिला है। कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने कहा कि इस बात को लेकर पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, सभी मरीजों की हालत स्थिर है। लेकिन इसी बीच एक खबर और सामने आई है कि उज्जैन की जिस महिला का इलाज इंदौर के MY हॉस्पिटल में किया जा रहा था, जो कोरोना पॉजिटिव थी, उसकी कोरोना के चलते मौत हो गई है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.